हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका रुबेस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ बायोलॉजी में क्लास 10th के लिए, और टॉपिक का नाम है पैरामीशियम, जो एक प्रोटोजोवा है। तो चलिए हम लोग आज इसके बारे में पूरी डिटेल से जानते हैं, इनके घटनाओं के बारे में जानते हैं, इनके खोजकर्ताओं के बारे में जानते हैं, और इनकी पूरी थ्योरी और इनका डेफिनेशन और इनके। तो सबसे पहली बात क्या कहता पैरामीशियम, तो आप जो पैरामीशियम में देख रहे हो, ये जो बनी हुई है इस तरह की जो लाइनें बनी हुई है, ये पैरामीशियम की है, यानी इसको क्या हम लोग बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो यहाँ पर डॉटेड चीज में देख रहे हो, तो ये क्या है, भोजन के कण है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके भोजन ग्रहण करने के एक द्वार होते हैं और भोजन त्याग करने के भी एक द्वार होते हैं। तो समझने वाली बात है, तो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, पैरामीशियम। ये भी मृदु जल में ही पाया जाता है, ये जो है ये मृदु जल में पाया जाता है, यानी कहा जाए तो जस्ट लाइक अमीबा की तरह, ये अमीबा की तरह पानी में ही, मतलब जो है मृदु जल में ठहरे हुए पानी में पाया जाता है। और सबसे बड़ी खास बात है कि अमीबा में जो है कोई विशेष यानी रचना या उसका कोई विशेष मुख नहीं था, लेकिन इसके कुछ विशेष मुख्य अंग है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। यह एक अन्य प्राणी संभोजी एक कोशिकीय जीव है। प्राणी संभोजी मतलब मैं बता दिया था आप लोगों को, यह तरल और जटिल दोनों से ये अपना भोजन प्राप्त कर सकता है, ठीक है। और कहता है कि एक कोशिकीय जीव है, ये बहुकोशिकीय जीव नहीं, याद रखिएगा, ये एक कोशिकीय जीव है। जब बहुकोशिकीय जीव की बात आएगा तब तो हम लोग पढ़ेंगे जाके हाइड्रा के बारे में पढ़ेंगे, जो वो जनन चक्र में पढ़ेंगे। तो पैरामीशियम अमीबा की भांति, यानी भांति कहने का मतलब अमीबा के जैसा ही, अमीबा की भांति मृदु जलीय प्रोटोजोवा है, यानी ये मृदु जल में ही पाया जाता है, इसको मृदु जल प्रोटोजोवा के नाम से। और क्या कहता है, इसका आकार निश्चित होता है, यानी कि इसकी जो आकार जो होता है ना, एकदम बिल्कुल निश्चित होता है, डेफिनेशन होता है। अमीबा के आकार के बारे में बदलना थोड़ा कह पाना मुश्किल होता था, क्योंकि उसमें जो है क्या होता था, कूटपात के माध्यम से उसका आकार कभी क्या होता बनता था, बिगड़ता था, लेकिन इसमें क्या है, निश्चित है, यानी कि एकदम कंफर्म है कि ये जैसा है ये वैसा ही रहेगा। तथा इसका आकार, यानी इसका शरीर जो है प्रचलन अंग सीलिया है, यानी इसका जो ये जो भाग सब देख रहे हैं, ये डॉटेड डॉटेड लाइन बना हुआ, ये क्या है, सीलिया है। इसका ये क्या होगा, प्रचलन अंग हुआ, ठीक है। इसमें भोजन ग्रहण करने की एक निश्चित स्थान होती है, किसकी बात कर रहे हो, पैरामीशियम की। पैरामीशियम में एक विशेष अंग होता है भोजन को ग्रहण करने का, ठीक है। हाँ, एक निश्चित स्थान होता है जो एक कोशिकीय, यानी कि एक कोशिक कोशिका मुख या साइटोस्टॉम कहलाता है। अगर आपसे पूछ ले कि कोशिका मुख या साइटोस्टॉम, तो यानी पैरामीशियम के बारे में जितनी भी बातें अभी यहां जिक्र हुई, जो उसके डिटेल जो बताया गया, उन्हीं को एक नाम से इंडिकेट किया गया, यानी दिखाया गया क्या क्या, कि कोशिका मुख या साइटोस्टॉम, ठीक है, साइटोस्टॉम कहा जाता है। तो हम लोग जो अमीबा के बारे में जाने थे, तो अमीबा का कहानी कुछ और था और पैरामीशियम का कहानी कुछ और है, यानी उसका कोई जो है कूटपात होने के वजह से ही उसका जो है आकार कभी बिगड़ता था कभी बढ़ता था, लेकिन इसका क्या है, ऐसा कोई बात नहीं, इसमें एकदम निश्चित है, इसका एक भोजन ग्रहण करने का स्थान है, तो इसका भोजन यानी, और इसमें क्या है, त्याग करने का भी एक स्थान है। ये देखिए जो द्वार यहां पर कहने का मतलब, भोजन इस तरह से आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर रिटर्न हुआ, यानी आया तो इधर से, फिर ये इस तरह से, ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे हुआ, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से आने के बाद एक द्वार से निकल गया, ठीक। अब आगे सुनिए, खोज। मैं कल भी बताया था कि कोई चीज अगर बनी हो तो उसका कोई तो खोजकर्ता होगा ना, और खोजकर्ता कौन है उसके बारे में बताते हैं। तो खोज, पैरामीशियम की खोज महान वैज्ञानिक एंटोनी ऑन ली वन हाकेन ने
सन 1678 ईस्वी में की थी। कौन सी ईस्वी में? ऑब्जेक्टिव में आपसे अगर पूछ ले कि पैरामीशियम की खोज किसने की थी, अगर व्यक्ति का नाम बोल दे तो आपको इस व्यक्ति का नाम बताना है, सॉरी वैज्ञानिक का नाम पूछे तो उनका वैज्ञानिक में नाम बता देना है, अगर उनको पूछे कौन सी ईस्वी में खोजा गया था तो आप उनके ईस्वी को बता दीजिएगा 1678 ईस्वी। ठीक है, अब एक और बात सुनिए, अगर आपसे पूछेगा पैरामीशियम का रंग कैसा होता है तो आप बताना कि रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन, इसमें कोई रंग नहीं होता है, और जिसमें रंग नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? रंगहीन कहलाएगा। ठीक है, दूसरा नाम अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है, बाय द वे क्लास टेंथ हो या अदर कोई कंपटीशन में या किसी भी चीजों में अगर पूछ ले बाय द वे अगर कि पैरामीशियम का दूसरा क्या नाम है तो आप बताना सिल्पर जंतुक। इसका नाम क्या हो गया? सिल्पर जंतुक। ठीक, अब कहता है कि इसका रचना, तो रचना कहता है पिछला सिरा, अगर ये मान लो अगर पिछला सिरा ये होगा तो ये हो गया अगला सिरा, तो कहता है पिछला सिरा नुकीली, मान ये सिरा इसका क्या हो गया? नुकीली हो गया। और कहता है मोटा होता है, यानी इसका पिछला सिरा क्या होता है, यानी कि सिरा नुकीली और मोटा, यानी कि नुकीली भी होता है, क्या होता है? मोटा होता है। देख लीजिए ऐसे, जबकि अग्रभाग चौड़ा, यानी ये वाला भाग ये देखिए यहां पर जो बना हुआ है ऐसे करके, ये क्या है? चौड़ा है और कुंद होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पैरामीशियम के बारे में सारी बातें बताया। ठीक है, अमीबा के बारे में बता दिया, पैरामीशियम के बारे में बता दिया, पैरामीशियम क्या है, उसका उसका विशेष अंग कौन सा है, वो कौन से स्थान कहाँ से भोजन ग्रहण करता है, उसका आकार कैसा होता है, निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है, ये भी जान लीजिए। मैंने पैरामीशियम का आपको यहाँ पर डायग्राम भी बना के दिखा दिया, आप देख सकते हो, मैंने उनका जो नाम लिखा ना था उसका मैंने नाम भी इंडिकेट कर दिया। अगर आप मैट्रिक में अगर क्वेश्चन पूछ रहे कि पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम के कार्यों को लिखे और पैरामीशियम को सचित्र वर्णन के साथ लिखे, तो आप विश्वास रखें अगर आप इतना भी लिख देंगे तो बेहतर अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आप लोगों को जो आज टॉपिक बताया, इस टॉपिक का ये लास्ट था, पैरामीशियम के बारे में मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपना कमेंट में लिखो। ठीक है, और आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें। और मैं आपको फिर से एक बात बता देता हूँ, होने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, नींद के पीछे भागोगे नींद एक दिन तुम्हें तकलीफों में डाल देगा। कहने का मतलब है ना कि जो लोग सोचता है कि थोड़ा मैं सो लेता हूं, कितना सोओगे? एक वक्त आएगी, आज तुम्हारे पास जगने का वक्त है, जगो। एक वक्त ऐसा भी आएगा जो आप हमेशा सोते ही रहोगे, और वो उम्र है जब आप बुढ़ापे के करीब जाओगे तो आप सोते रहोगे, और इतने लंबे टाइम तो सोए हुए रहोगे जो सोच के तरसोगे, काश मैं उठ के चल सकता था लेकिन आज मैं चल नहीं पा रहा हूँ, क्या वजह है? तो मैं कह रहा हूँ आप सभी विद्यार्थियों से एक बात मैं बताता हूँ, आप जो भी मेरा वीडियो देखते हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, बड़े हो या छोटे, जो भी देख रहे हो, आप सोने के पीछे मत भागो, क्योंकि मेहनत ही आपकी सफलता का पहचान है। आप मेहनत करोगे, कामयाब बनोगे, अपने सपने को पूरा कर सकोगे। वो कहते हैं ना, सपने को पूरा करने के लिए ख्वाब देखना जरूरी नहीं है, सपने को पूरा करने के लिए जगना जरूरी है। लोग ख्वाबों में अपने सपने पूरे करते हैं, नहीं, सपने सच करने के लिए जगना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। मेहनत करो, आगे बढ़ो, क्योंकि आगे बढ़ने का यही तुम्हारी उम्र है। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जो आप लंबे टाइम पे सोए हुए रहोगे, फिर आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आप अपने बारे में बेहतर डिसीजन लो, अच्छी जिंदगी के बारे में सोचो, क्योंकि आज के दौर में मुझे नहीं लगता है कि एक बच्चे को अपनी पढ़ाई से और अपने कैरियर से लापरवाही करना चाहिए। आप सब मेहनत करो, आगे बढ़ो और अपना भविष्य को एक नए सुनहरा मौका दो। ठीक है बच्चों,
तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।